अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केयर नॉलेज मास्टर। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली का प्रसिद्ध जैन लाल मंदिर के बारे में। दोस्तों, दिल्ली में ठीक लाल किले के सामने जैनियों का प्रसिद्ध और प्राचीन लाल मंदिर है। यह मंदिर सन 1656 में बनकर तैयार हुआ था। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली को जब राजधानी बनाया तो उसने बड़े बड़े सेठों साहूकारों को दिल्ली में बसाने की सोची। चांदनी चौक को बड़ा व्यापारिक स्थान के रूप में विकसित करना था। उस वक्त बड़े सेठ और साहूकार जैन थे, उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाने के लिए बादशाह ने ज़मीन व तमाम ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई। जामा मस्जिद और लाल मंदिर लगभग साथ साथ बने थे। जामा मस्जिद की तरह लाल मंदिर भी लाल पत्थर और संगमरमर से बना है। लाल किले के ठीक सामने जैन मंदिर का उस समय बन जाना अपने आप में उस वक्त के सांप्रदायिक माहौल को बयां करता है। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब बादशाह हुए थे, जो कट्टर माने जाते थे, पर उन्होंने भी मंदिर के होने पर एतराज़ नहीं किया। जबकि उस समय भी पूजा और भगवान की आरती के समय खूब घंटे और घड़ियाल बजते रहे होंगे। लाल मंदिर आज भी अपनी कलात्मक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश तो सदियों से सांप्रदायिक एकता की मिसाल रहा है, और आज भी देश के विभिन्न जगहों पर हमारे प्राचीन और खूबसूरत मंदिर स्थित हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं कि आततायियों ने धर्म स्थलों को चोट पहुंचाई, पर अधिकतर जगहों पर धार्मिक स्थलों की पवित्रता और उनकी संरक्षण का पूरा ध्यान समाज के हर वर्गों द्वारा रखा गया है। वैसे धार्मिक स्थलों को चोट पहुंचाने वाले आततायी आज के ज़माने में भी हैं, जो नहीं चाहते कि देश में शांति और सद्भाव कायम रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक न्यू नॉलेज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।